गुड मॉर्निंग। आज है डे टू इन सिडनी और कल हम इतना ज़्यादा थक गए थे। और रात मुझे ऐसा होता है कि कहीं नई जगह पर मैं जाती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है, तो मैं शायद 5 बजे रात से मेरी नींद खुल गई थी और उसके बाद मैं ठीक से सो नहीं पाई। और अभी बज रहे हैं 10, यश अभी सो रहा है। मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड और टोस्ट अपने लिए और उसके लिए। हम लोग कल ब्रेड ले आए थे वहाँ से और जैम लेके आ गए थे और मैगी भी लेके आ गए थे। तो रात में वहाँ से आने के बाद, क्योंकि यहाँ पे इतना चलना होता है तो चल चल के भूख लग जाती है, तो वहाँ से आने के बाद हमने मैगी बना के रात में खाई थी। और यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट जैसे मैंने बताया है बंद हो जाते हैं बहुत जल्दी, कुछ मिलता नहीं है, तो इसलिए हमने इमरजेंसी के लिए मैगी ले ली थी और ब्रेड हम इसलिए ले आए थे ताकि हम उठ के ब्रेकफास्ट कर लें थोड़ा बहुत और उसके बाद रेडी होके जाएं, वरना यहाँ पे इतना कुछ अच्छा खाने को है नहीं। तो अभी मैं बनाऊंगी टोस्ट ब्रेड और जैम वाला और उसके बाद हम लोग रेडी होंगे और फिर हम लोग आज जाएंगे तुरंगा जू। बहुत ब्यूटीफुल जगह है वो भी, लेट्स सी क्या होता है वहाँ पे। गाइस, सो हम लोग हो गए हैं रेडी और अब हम लोग निकले हैं घर होटल से और अभी हम जा रहे हैं तुरंगा जू। दिस इज व्हाट वी आर वेयरिंग। हमारे होटल के नीचे ये एक क्यूट सा कैफे है। वैसा तो ठंड नहीं लग रही है। अभी हम लोग ट्रैम का वेट कर रहे हैं। We are at Hungry Jack's, क्योंकि अब भूख लग रही है। सुबह से कुछ खाया नहीं। कुछ नहीं खाया, ब्रेड खाए, कॉफी पिए। Now it's time for। चोट हो जा रही है। Yep, और बहुत लेट हो गए हम। और ये मॉर्निंग व्यू है डार्लिंग हार्बर का। रात में ज़्यादा सुंदर लगता है लाइट्स के साथ, बट अभी भी उतना ही सुंदर है। सो अब हम वेट कर रहे हैं हमारी फेरी का। दिस इज अवर फेरी, इसमें हमें जाना है। वापस फेरी में बैठ चुके हैं। कहाँ जा रहे हैं? फेरी से ये है अभी का व्यू। अब हम जा रहे हैं बस से जू तक, जो 5 मिनट्स की डिस्टेंस पे ही है। मतलब जू तो आ गया है पर एंट्री उसकी थोड़ी दूर है, तभी हम वहाँ जा रहे हैं। ये है जू फाइनली, बड़ी मुश्किलों के बाद हम यहाँ पहुँच पाए। कितने बज रहे? 2:30 बजे। 12:30 बजे हम निकले थे होटल से और अपने होटल से आई थिंक 20 मिनट्स की ड्राइव थी बस और 2 घंटे बाद पहुँचे। जब भी कोई नई सिटी में आते हैं तो ऐसे ही होता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कैसे क्या वो जाना है। मेन एक्चुअली वो ट्रैम की वजह से ही हुआ। हमने एक ट्रैम गलत पकड़ ली थी जो अपोजिट साइड चली गई, तो उस वजह से हम बहुत लेट हो गए, बट ठीक है, लेसन लर्नड। उसकी वजह से अपने और थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया। या हमने उसकी वजह से और एक्सप्लोर कर लिया। सो नाउ हियर वी आर एट द जू एंड प्लेजेंट वेदर है आज। फाइनली वी नो व्हिच ट्रैम इट गोस वेयर। या एंड आज बहुत अच्छा मौसम है, ना ठंड है ना गर्मी है, बहुत अच्छा मौसम है। ऐसा मौसम मेलबर्न में भी होना चाहिए। ये है एंट्री पॉइंट। आज हम बहुत सारे यश से मिलने वाले हैं, मतलब बहुत सारे मंकी से मिलने वाले हैं। वो भी वहाँ पे बाजू में लटकी है। नहीं, बहुत क्यूट होते हैं, देख वो ले गया उसको, छीन लिया उससे। यहाँ पे डॉग्स और कैट्स के अलावा तो लोग नहीं रहते यहाँ के डॉग्स तो भौंकते ही नहीं है। हाँ। एक कुत्ते को भौंकते हुए नहीं सुना मैंने अभी तक यहाँ, लेकिन जो बर्ड्स होती ना उनसे बच के रहो। हाथ से खाना छीन के लेके देखेंगे। कॉल आज इंडिया में नहीं है ना,
इनके जैसे डार्क सर्कल जरूर हो रहे मुझे। हाँ है ही नहीं, मतलब तो क्या ऐसे ही होता है। काला दिखा है, ये ऊपर बैठा है पेड़, पेड़ पे चढ़ के तो तेरे जैसे बैठा है। हाँ अच्छा, ये सो रहा है। ये कितना क्यूट है, ये इसकी शक्ल नहीं दिख रही है। पर बुला रहे तेरे को, जल्दी जा। मेरे भाई बहन बुला रहे कि आपके मंकीज आ गई आ गई। तेरी आवाज आ गई इनको। अबे ये यहाँ के जानवरों का भी क्या बेस्ट व्यू होगा, देख सी व्यू पूरा। अपन सच लाइफ इनकी है। वाह, ओपरा हाउस का व्यू, सिटी व्यू, हार्बर व्यू। लकी एनिमल्स गाइस, जिराफ। मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ अपनी लाइफ में। मुझे याद नहीं, मैं बचपन में गई होंगी जू। वो अंशिता ने मेरे को बोला है कि मैं व्लॉग बनाऊं, इसको इसको आना है कैमरे में, अपने भाई बहनों के साथ फोटो खिंचवानी है इसको। मिलने आई ना, वो देख तेरे दो तीन। नहीं पहले पहले आए बोल अपने भाई बहनों को। कौन से वाले भाई हैं? वो देख ऐसे बैठी है। ये देखो ये बैठी है, ये वाली। हाँ ये तो वो तू है। मैटर हो गया। यश का क्वेश्चन है कि जिराफ सोते होंगे या नहीं। एक ज़ेब्रा भी उधर। कौन सा? ये नहीं देखा ना, ये कौका है, पैदा था इसका। इसका दोस्त था ना, पुम्मा। कहाँ गया वो बेटा? इतना क्यूट है ये, बस पैर है, हाथ नहीं है। अबे है, हाथ आगे करके बैठा है, देखो शायद। ये देख इधर के। इसकी कितनी बड़ी चोच है। गणपति बप्पा मोरिया। पता गणपति बाबा की स्टोरी देयर। यहाँ पे ऐसे बांग्लादेश, वियतनामीज, ऐसे कुछ रेस्टोरेंट और मार्केट टाइप है। हम यहाँ पे टाइगर देखने जा रहे हैं। मर गए। दिस इज अवर व्यू फॉर लंच। हम यहाँ बैठ के अब अपने जो बर्गर साथ में लाए हैं वो खाने वाले हैं। वाव, यहाँ पे हो रहा है वेडिंग शूट। वाव, अब हम जा रहे हैं पेंगुइन्स देखने। मैंने आज तक पेंगुइन्स नहीं देखे, जिससे मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है पेंगुइन देखने की। यहाँ तो ठंडा होना चाहिए बल्कि। खत्म नहीं है पेंगुइन। टाइम टू गो बैक। अब हम जा रहे हैं वापस। बैक अगेन। ओ व्हाट द। अब 20 मिनट वेट करना पड़ेगा। वन ऑफ द बेस्ट सनसेट अंशिता ने एक्सपीरियंस किया है। कैसा लग रहा है?
पिज़्ज़ा चोटा। ये है सिडनी ओपेरा अप क्लोज। अभी तक हम इसे दूर से देख रहे थे। ये व्यू से कोई कभी बोर ही नहीं हो सकता है, मुझे लग रहा है। ब्यूटीफुल व्यू है।